जब इस पे सपोज ये एक मीटर का हो गया चौदह पत्ता आ गई तो ये जो टॉप है ना उसको आप खाली पिंच करके हटा दीजिए ठीक है बस उसपे से दो टहनिया निकल आएंगी और कीड़ो को जो है कुछ भी बहुत स्ट्रांग स्मेल जो होती है ना उससे वो रिपेल हो जाते हैं जैसे आपने सिरका है सिरके में आप थोड़ा सा नींबू का रस डालिए उससे आप स्प्रे कर लीजिए कुछ नहीं है तो आपके कई बार आप चावल बच जाते हैं आप उसको डाल के उसको सड़ा दीजिए मैं करेला है करेले के छिलके हैं उसको डाल देती हूँ उसको सड़ा लेती हूँ उसका पानी यूज कर उसका मिक्स बनाने के टाइम पे तो मैं थोड़ी करसेंट तीस परसेंट सॉइल कोकोपीट पर्लाइट नीम खली बोन मील बोन मील आप नहीं यूज करना चाहती मत कीजिए उसके साथ फिर खाद या वर्मी कम्पोस्ट गोबर की खाद सबसे बढ़िया है तो आप गोबर की खाद यूज करिए उसको आप मिला के इसमें डालिए टेरेस के लिए हल्का भी रहती हूँ बहुत हल्का रहता है आप इसको गमले उठा के देखेंगे तो ये जो ड्रम आप देख रहे हैं जो बड़ा पेड़ आपको लग रहा है ये माली और मैं थोड़ा इसको इधर उधर शिफ्ट कर लेते हैं नमस्कार दोस्तों मैं अंजू सिंह यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट पद्मी जी के टेरेस गार्डन में टेरेस गार्डन नहीं अपर टेरेस गार्डन में जहां पर लगी हुई हैं ढेरों सब्जियां मैं आपको बता दूं कि हम पहले भी उनका फूलों का बगीचा आपको दिखा चुके हैं और आज हम दिखाने वाले हैं उनके सब्जियों का बगीचा जहां ढेरों सब्जियां लगी हुई हैं तो आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी हैं और इसके साथ ही जैसा की मार्च का टाइम चल रहा है हम मार्च में लगने वाली सब्जियां लगा चुके हैं तो कैसे इन सब्जियों पर इन पौधों पर ढेरों सब्जियां ली जा सकती हैं तो ये पूरी जानकारी हम लेंगे पद्मिनी जी से तो ज्यादा देर ना करते हुए मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो जैसा कि मैम हम पूरा आपका गार्डन एक वो पोर्शन विजिट कर चुके हैं जहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए हैं स्प्रिंग फ्लावर्स लगे हुए हैं कैक्टस लगे हुए हैं स्पेस को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट आपने कर रखा है अब हम उस पोर्शन पर हैं जहाँ पर मुझे सब्जिया ही सब्जियां नजर आ रही हैं वो टमाटर खाने का सुख सबसे ज्यादा है जिसको खुद ही उगाया हो और अपनी आंखों के आगे ही उसको हरे से लाल होता हुआ आपने देखा हो और फिर आप उसे खा रहे हैं तो अब मैं यहाँ पर अपने उन गार्डनिंग लवर्स के लिए उनके लिए आई हूँ यहाँ पर कि जो किचन गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं आपने यहाँ पर कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी हैं? देखिए जब ये छत आप जो देख रहे हैं अभी जब मैंने यहाँ शुरू किया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था खाली थी बिल्कुल और यहाँ पे मैंने शुरू किया था हमारा घर में जैसे मैंने पहले बताया था रेनोवेशन हो रहा था तो चार पांच सीमेंट के बैग्स पड़े हुए थे उनमें मैंने मिट्टी भरी और मैंने लौकी की बेल लगाई अभी ऐसा है कि विंटर के जो है क्योंकि अभी मौसम थोड़ा अभी ठंडा हो गया था तो अभी विंटर के सारे बाहर अभी नहीं गए हैं तो समर की तैयारी शुरू हो गई है और विंटर के ऑन द वे आउट है जैसे मैं कहती हूँ अभी यहाँ पे आप देखेंगे चेरी टोमेटोज लगे हुए हैं इसमें क्या है इसको स्टेकिंग करना बहुत जरूरी है इसको बांध के सपोर्ट चाहिए ताकि ये झुके ना गिरे ना ये मेरे मूली के पौधे हैं जो अब मूली जो और दूसरा मैं क्या करती हूँ कि जब आप अपने फैमिली के लिए लगाते हैं तो पहले एक बार मैंने शुरू किया था तो मैंने ये गलती करी थी कि सारे पौधे एक साथ लगा दी थी तो वो होता क्या है सारी तैयार एक साथ हो जाती है और आपका कंजम्पशन उतना नहीं होता तो अब ऐसा करती हूँ मैं कि मैं थोड़े थोड़े लगाती हूँ मैं पंद्रह बीस दिन में स्टैगर करके जैसे मैंने गोभी लगाई फूल गोभी लगाई पत्ता गोभी लगाई तो मैं एक लॉट लगा देती हूँ फिर पंद्रह बीस दिन के बाद दूसरा लगाती हूँ ताकि वो मुझे जब वो हार्वेस्ट भी करूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद वो करूँ मैं ठीक है दूसरा जैसे मैं कह रही थी कि मेरी छत पे अब ये हो गया है कि चिड़िया जो हैं वो आके अटैक करती हैं इसको खाती हैं मैं आपको एक और ड्रम में अभी दिखाऊंगी वहाँ पे पूरे में अब पौध निकल आई है टमाटर की अब वो मैंने नहीं डाले बीज ना मैंने उसमें लगाए हैं लेकिन वो चिड़िया जब खाती है वो बीज गिराती है तो वो उसमें एक नया पौध निकल आता है इस तरफ अभी देखिए यहाँ पर मेरा लगा हुआ है ये ब्रोकली इसमें ये तरबूज है पिछले साल मैंने इसमें तरबूज़ दिया था जो ऊपर से लटक रहा था तो वो लोगों को बहुत हैरानी हुई थी उसको देख के तो होपफुली इस बार भी सक्सेसफुल रहेगा सिर्फ यह धूप अच्छी आनी चाहिए तरबूज़ को धूप अच्छी चाहिए ठीक है एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी जैसे कुछ लोग हैं लौकी लगाते हैं कद्दू लगाते हैं तरबूज लगाते हैं खरबूज इस तरीके की लगाती हैं वेजिटेबल्स लेकिन क्या होता है कि फ्रूटिंग ज़्यादा नहीं होती दो तीन लौकी आ गई दो तीन कद्दू आ गए तो वो बस उसके साथ निराश हो जाते हैं आ, तो ज्यादा अच्छी फ्रूटिंग के लिए आप ऐसा क्या सजेस्ट होने करना चाहेंगे देखिये एक तो लौकी में सबसे बड़ी बात है की जब आपकी लौकी की बेल शुरू होती है आ, एक मीटर की लेंथ हो गई आप मैं कहूंगी आप चौदह पंद्रह पत्ते आ गए ठीक है उसके बाद आप उसको पिंच कर दीजिए ठीक है तो उसमें क्या होगा वो दो आएंगे नहीं। उसके बाद फिर आप पिंच उसको फिर वो लंबी होगी फिर आप उसको पिंच करेंगे तो उससे क्या होता है आपकी ब्रांचेस बढ़ती है और जितनी ब्रांचेस बढ़ेंगी फीमेल फ्लावर ज्यादा आते हैं जब इस पे सपोज ये एक मीटर का हो गया चौदह पत्ता आ गई तो ये जो टॉप है ना उसको आप खाली पिंच करके हटा दीजिए ठीक है बस उसमें से दो टहनियाँ निकल आएंगी ठीक है तो उसमें क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है हैंड पॉलीनेशन शुरू में मुझे करना पड़ता था कि आप पॉलीनेट करिए तभी नहीं तो वो छोटे छोटे लग के वो सूख जाते हैं पॉलीनेट नहीं होते लेकिन अब ऐसा है कि क्योंकि यहाँ पे इतनी मधुमक्खियाँ आती हैं इतनी बटरफ्लाइज आती हैं इतनी बर्ड्स आती हैं है, कि वो पॉलीनेशन हो जाता है तो अगर आप ऑर्गेनिक रखेंगे और आपके ये सब आते हैं तो ये पॉलीनेटर्स हैं दूसरा जो मैं करती हूँ कि जैसे आप मेरी बास्केट देख रहे होंगे यहाँ पे इसमें आप ये पर्सलिन पोचलुका जो गर्मियों के फूल है वो मैं लगाती हूँ बीच बीच में आप बास्केट्स में फूल भी लगाइए क्योंकि फूल को अट्रैक्ट करते हैं बीज और वो आती है उस पे। तो तो वो आती उस जब आएंगे उस उसपे बैठेंगे तो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी वो पॉलीनेट करेंगे जो हरी सब्जियां हैं उनको बहुत ज्यादा उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं शाल रूट्स होती हैं तो मैंने तस्ले इस्तेमाल करे हैं तो उसमें मेरी अच्छी चल रही है क्योंकि ज्यादा पानी भी नहीं होता जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी मिलता है तो अभी मैंने इसमें धनिया और मेथी चल रही है मेरी आ, मैंने एक पंपकिन मंगाया था उसके मुझे सीड्स बहुत अच्छे लगे तो मैंने वो सारे डाल दिए और देखिए कितने सारे पौध निकाल निकल आए हैं इसमें तो अभी मैं बांट दूंगी मैंने अपने ग्रुप्स में डाल दिया है जिसको चाहिए वो ले जाए क्योंकि इतने सारे तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगी एक चीज और है मैं पदनी जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने ना अलग से लगाए हैं पंपकिन के जो बीज है वो अलग अलग क्या हम इसमें डायरेक्ट जिस गमले में हम उगाना चाहते हैं उसमें लगा सकते हैं देखिए ऐसा है कि मेरे ना इस वाले ड्रम में जहाँ मैं आप लगाने जा रही हूँ इसमें तो खैर अभी लॉकी लगा है लेकिन अभी क्या है कुछ विंटर के अभी चल रहे हैं हुँ. तो क्या होता है कि अगर मैं इसके लिए डायरेक्ट लगाने के लिए वेट करूंगी तो फिर मेरा सीजन में थोड़ा लेट हो जाएगा ठीक है तो अगर आप या तो आप सीडलिंग ट्रे यूज़ कर लीजिए या फिर आप पाउचेस यूज़ कर लीजिए लेकिन अगर किसी के पास स्पेस है तो वो सीधे भी लगा सकता है आप लगा सकते हैं लेकिन उसमें क्या होता है जब आप बड़े में लगाते हैं ना तो उसमें अगर पानी ज़्यादा हो गया आपका बीच सड़ जाएगा तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आप छोटे में लगाइए और आपके पास देखिए कहीं भी आपके पास एक दीवार भी आप जैसे इसकी दीवार है जो इस पे मैंने सब ये सीडलिंग्स लगा दिए हैं ठीक क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है उसको और उसमें वो जब तैयार होगा जब आप उसको निकालेंगे तो आप उसको उसकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप पूरा का पूरा निकाल के उसको आप ट्रांसप्लांट कर देंगे तो उस पर आपका प्लांट जो है बड़ा अच्छा से चल जाएगा लेकिन अगर जैसे ये आप देख रहे हैं ड्रम देख रहे हैं मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें डायरेक्ट डालती और जैसे पीछे बारिश हो गई तो हो सकता है कि सीड उसका गल जाता या सड़ जाता मेरे साथ हुआ ही हाँ तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि थोड़ा और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पाउचेज नहीं है तो आपके पास मिल्क पाउचेज है ना बिल्कुल आप मिल्क पाउचर्स यूज़ करिए ठीक है ये अच्छा ऑप्शन तो रीसाइकिल आप तो। उसको भी कर सकते हैं या पीछे मैं देख रही हूँ कि विंटर्स की ये मटर भी यहाँ पर अच्छी खासी लगी हुई है हाँ अब मटर का ये है कि अब धूप तेज़ हो जाएगी तो ये मटर थोड़े हार्ड हो जाएंगे तो मैं इसमें से दो बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और अब अब ये तो थोड़े मटर इसमें लग रहे हैं एक आध में जो अच्छे हैं वो छोड़ूंगी बीज बनने के लिए बाकी अब एक लॉट और हार्वेस्ट हो जाएगा इसमें से लेकिन सब्जियाँ अब जो मेरी हैं भिंडी के पौध तैयार हो रही हैं ठीक है अब तो मेरी भिंडी लगेगी कुछ सब्जियाँ उस तरफ है बैंगन है उस तरफ और वहाँ पे अरबी का मैंने अरबी के जो है डाले हुए हैं अब उसका फुटा हुआ आएगा तो वो सब्जियां हैं जो हम फेब की स्टार्ट में या फेब के बीच में हम लगा देते हैं हा, हा। और ये हमें मई जून तक सब्जियां सब्जिया देती हैं हमको तो उसके बाद में जब जैसे ही समर्स मतलब मई जून आ जाएगा तब हम अगली पौध लगाना शुरू कर देंगे या बीच में गैप देंगे नहीं आपकी आ, मैं क्या करती हूँ लौकी का जैसे बेल है हुँ. कई बार ऐसा होता है कि खराब हो जाती है बरसात अगर बहुत ज़्यादा हुई या कुछ हुआ तो आप एक न्यू लॉट भी उसका लगा सकते हैं थीके. फिर भिंडी का भी वही है कि आप थोड़ा स्टैगर करिए नहीं तो सारी भिंडी एक साथ निकल आएगी ठीक है तो आप थोड़ा भिंडी को भी स्टैगर करके लगाइए आप सेम लगा लीजिए ककड़ी अब इस टाइम सारे पौध तैयार है मेरे ककड़ी के खीरे के आ, अब सबकी वो बेल चढ़ जाएंगी उससे एक और जो होता है फायदा कि जब इसके मैंने ऊपर जो जाल लगाया था ये एक्चुअली पीकॉक्स के लिए लगाया था हुँ. क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मैं आती थी और कुछ नहीं होता था छत पे तो ये पीकॉक्स को थोड़ा डिटेर करने के लिए मैंने लगाया था लेकिन अब क्या होता है कि मैं इसके ऊपर सारी बेलें चढ़ जाती है मेरी हुँ. तो वो अब एक कोने में एक तरफ मैं लौकी की चढ़ाऊंगी एक तरफ खीरे की होगी एक तरफ तो उससे नीचे के जो पौधे हैं उसमें थोड़ी ठंडक मिल जाती है उसको क्योंकि ये तो गर्मी इनको तो चाहिए ही धूप तो वो मैं करती हूँ और ग्रीन नेट है कुछ कुछ पोर्शंस हैं जहाँ पे मेरे पौधे तो ये ग्रीन नेट अभी मैंने टाई अप कर रखा है लेकिन इसको भी खोल देते हैं तो ये है। थोड़ा सा शेड दे देते तो है। आप अपनी इसी छत से कितनी बार मतलब कौन कौन सी सब्जियाँ आप ले पाती हैं एक विंटर वाली हमने देख ली अब ये जो है मार्च फाइव में आपने ये बो दी हैं तो ये आपको मई जून तक मिलती रही मई जून क्यों ये तो मुझे सेप्टेम्बर अक्टूबर तक मिलता है इनफैक्ट लौकी तो नवंबर तक चल रही थी ठीक है हाँ तो उसको आप खाली ये है कि पौधों की थोड़ी देखभाल आप अच्छे से करिए जैसे मैंने कहा वीकली स्प्रे और मेरा वीकली स्प्रे ऐसा है कि मेरा मालिक के साथ टाइड अप है कि फ्राइडे इवनिंग चाहे मैं हूँ चाहे मैं नहीं हूँ तो आप किस किस चीज़ का कर स्प्रे करती है जैसे आपने सिरका है सिरके में आप थोड़ा सा नींबू का रस डालिए उससे आप स्प्रे कर लीजिए कुछ नहीं है तो आपके कई बार आप चावल बच जाते हैं आपने लंच में या उसमें खाने में चावल बनाएं आप उसको डाल के उसको सड़ा दीजिए लेकिन हाँ उसका एक ख्याल रखिएगा कि वो बहुत ज्यादा बदबू मारते हैं और कीड़ों को जो है कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती है ना उससे वो रिपेल हो जाते हैं okay. तो आप कुछ भी यूज करेला है करेले के छिलके हैं उसको डाल देती हूँ उसको सड़ा लेती हूँ उसका पानी यूज ठीक है ये तो इंसेक्ट्स के लिए हो गया लेकिन आप पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करती हैं अच्छी फ्रूटिंग के लिए क्या करती हैं अब यही चीज जो है हुँ. ये आपके उसको न्यूट्रिशन भी देती है Okay. क्योंकि आप जैसे हम खाते फर्मेंट करके जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है okay. जैसे मैं कंपोस्टिंग करती हूँ मैंने लगा रखा है कंपोस्टिंग पिट लेकिन कई लोग के पास जगह नहीं है okay. बालकनी है बालकनी में जगह नहीं है तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपने किचन में एक पतीला रखिए okay. आप चावल धोती हैं आप दाल जो भी आप बना रहे हैं आप उसको धोते हैं उसका पानी आप उसमें डाल दीजिए फेंके मत क्योंकि एक तो पानी आपने सेव कर लिया उसके बाद आपने जितनी सब्जियां काटी फल के छिलके हैं आप सब उसमें डाल दीजिए और एक जाली से उसको ढक दीजिए तो उससे आपके और एक दिन में चौबीस घंटे में कोई स्मेल नहीं आती मैं मैं हमेशा करती हूँ उसको तो उसमें क्या होता है कि आपके सारे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जिस जितना हमको चाहिए पौधों को भी उतना चाहिए तो क्या होता है कि उसमें जितने आपने डाले एक दिन पूरा उसमें सोख हुआ अगले दिन आप उसको थोड़ा सा मसलिन क्लॉथ से लेके उसको आप छान लीजिए उसके बाद जो थोड़ा सा आपके पास बचा है ना आप उसको किसी कोने पर एक ट्रे रख लीजिए उस पर आप उसको सुखा लीजिए और उसको आप पाउडर करके रख लीजिए वो भी आपका खाद है चलिए बहुत और जो पानी है वो आप पौधों में डाल दीजिए एक चीज़ और मैं लास्ट में पूछना चाहूँगी कि आपने ये सॉइल मिक्स किस तरीके से तैयार किया है तो सॉयल मिक्स का क्या है कि मैं ट्वेंटी से थर्टी परसेंट सॉयल यूज़ करती हूँ उस पर मैं कोकोपीट डालती हूँ और कोकोपीट के क्या है ब्लॉक्स वो ब्रिक्स आते हैं तो उसको पहले आप पानी में भिगो लीजिए उसके बाद उसको निचोड़ के और उसको सुखा लीजिए मैं आपको अभी दिखा भी सकती हूँ मैंने अभी कल ही इसको तैयार कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ मैं ये जो ब्रिक था उसको ये करके अब ये सूखने के उसमें है ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये है पर्लाइट पर्लाइट क्या है कि एक तो पौधों को बहुत हल्का रखता है मतलब मिट्टी को सॉइल को आपको बहुत पोरस रखेगा और ये एक्चुअली लावा के होते हैं उसको ये बहुत हाई उस पर ब्रेक बेक करते हैं और उसके बाद ये इसको ये छोटे छोटे आपको लगता है जैसे ये थामोकोल की बॉल्स हैं बट ये पर्लाइट है तो ये जो है पौधों में आप इसको डालिए तो इसका सॉइल मिक्स बनाने के टाइम पे तो मैं थोड़ी मिट्टी बीस परसेंट तीस परसेंट कोकोपीट पर्लाइट नीम खली बोन मिल बोन मिल आप नहीं यूज़ करना चाहती मत कीजिए उसके साथ फिर खाद या वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद सबसे बढ़िया है तो आप गोबर की खाद यूज़ करिए उसको आप मिला के इस पर डालिए तो आ, आपके पौधों के के लिए लिए टेरेस हल्का भी रहती होगी बहुत हल्का रहता है आप इसको गमले उठा के देखेंगे तो ये जो ड्रम आप देख रहे हैं जो बड़ा पेड़ आपको लग रहा है ये माली और मैं थोड़ा इसको इधर उधर शिफ्ट कर लेते हैं और दूसरा जैसे मैंने करा है की इधर से एक जगह से दूसरा ले जाना हो तो मेरे ये जो स्टैंड है इनमें व्हील्स है तो मैंने एक और जो करा है छोटे ना लकड़ी के वो बनवा रखे हैं चौकी टाइप की व्हील्स के साथ तो यहाँ रखे ना यहाँ से हम लोग उधर रोल कर लेते हैं बहुत ईजिली तो ये है नहीं कि हमको ये उठाना है तो चार लेबर को बुलाना है या कुछ है तो हम काफ़ी सेल्फ सफिशेंट हैं इस मामले में हम ये मैनेज कर लेते हैं जो किचन गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं कुछ गलतियां हैं जो उनसे हो जाती हैं कुछ ऐसा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बेमौसम वो उगा देते हैं जिनकी वजह से वो चीज़ें वो ग्रो नहीं कर पाते और किचन गार्डनिंग से हार जाते हैं वो पैर पीछे खींच लेते हैं तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से उन्हें किचन गार्डनिंग की शुरुआत करनी चाहिए एक जो बहुत जो मैं फॉलो करती हूँ और जो मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरा ये मानना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो जब आप बीज लगाते हैं या आप पौध लेके आते हैं हर हफ्ते आप उसको स्प्रे कीजिए ऑर्गेनिक उसमें मैं करती क्या हूँ कि जैसे मेरे घर में सब्जी होती है अब आप गर्मियाँ आ रही हैं करेला बहुत आप लोग खाते हैं जो जो खाते हैं करेले के छिलके ले लीजिए नीम के पत्ते ले लीजिए आप उसके पास नहीं है तो नीम ऑयल आप ले लीजिए अपने घर में रखिए नीम ऑयल को आप एक लीटर पानी में थोड़ा सा नीम ऑयल एक चम्मच नीम ऑयल उसके साथ थोड़ा कोई भी या तो शैम्पू या डिश वॉशिंग सोप या कोई भी लिक्विड सोप आप उसमें मिलाइए अच्छे से और उसके बाद आप उसको पौधों पे स्प्रे करिए लेकिन बहुत ध्यान दीजिए आप जो भी स्प्रे करते हैं आप वो शाम को करिए जब ये हमारे जो चिड़िया हैं और जो बीज हैं ये सब अपने घर चली जाती हैं क्योंकि तो कहीं ना कहीं हम उनको हार्म पहुँचाते हैं इन सब चीज़ों से तो उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए वीकली आप स्प्रे करेंगे आप ट्राई कीजिए मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा क्योंकि आप इससे पहले कि कुछ इन्फेस्टेशन हो कोई इंसेक्ट अटैक करे आप प्रिवेंशन ले रहे हो प्रिवेंशन एक्शन आप ले रहे हो दूसरा जो मैं एक और चीज़ करती हूँ कि जैसे अब आप यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरे आप पम्पकिन कद्दू के बहुत तैयार है यहाँ पे, ये लौकी की लगी हुई है थोड़ी ये बड़ी होगी तो मैं जो नीचे के इसकी लीव्स हैं ना ये मैं पिंच कर दूंगी तो नीचे मट्टी से आप एक सवा, एक सवा डेढ़ फुट तक अगर आप पत्तियों को हटा देंगे तो उससे क्या होता है कि जब आप पानी डालते हैं पौधों में वो मट्टी क्या होती है छितर के आपके पत्तों पे लग जाती है और उससे आपके पत्त पौधों में इन्फेक्शन आ सकता है प्रेशर बहुत ज्यादा मत रखिए और पानी आप धीरे धीरे डालिए ताकि आपका रहे कोशिश ये कीजिए कि पत्तों पर पानी के छीटों से मट्टी ना आए तो ये आप अगर करके देखेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं प्लस सूखे पत्ते हटा दीजिए जैसे मैंने पहले भी कहा था सूखे पत्ते से भी इन्फेक्शन आता है तो ये आप ट्राई कीजिए और मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपका पौधा अच्छा चलेगा आपको अच्छी सब्जी मिलेगी अच्छा फल मिलेगा ये बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई आपने वैसे तो मैं आपको किचन गार्डनिंग का विजिट कराने वाली थी लेकिन जो मैम के टिप्स एंड ट्रिक्स हमें यहाँ साथ में मिलते हैं उसमें मैम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप अच्छी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं कैसे आप अच्छे अपने अपने पौधों की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं कैसे आप फ्रूटिंग अच्छी उनसे ले सकते हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं अगर आपके पौधों के साथ में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सवाल अपना कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं हमारी कोशिश होगी पत्नी जी ने जैसे जवाब दिए हैं या तो ये हमें जवाब दे पाएं या हम किसी ना किसी एक्सपर्ट से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगे